हेलो फ्रेंड्स, gsitworld.com पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है वर्डप्रेस को जो है अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा। ब्राउज़र पे जाइए, ब्राउज़र पे जाके आप वर्डप्रेस ORG सर्च करिए। ये आपको डाउनलोड लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक करिएगा। अभी यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 6.2 दिख रहा है, यहाँ से आप जो है क्लिक करके वर्डप्रेस डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हमें जो है जेम डाउनलोड करना है। जेम डाउनलोड जेम क्लिक करिए और यहाँ पे जो वर्जन लेटेस्ट चल रहा है 8.0.25, जो भी आप करना चाहें वर्जन वो आप कर सकते हैं। मैं लेटेस्ट मैंने डाउनलोड किया कर रहा हूँ, ये तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको जैम को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, वर्डप्रेस और जैम। ठीक है, वर्डप्रेस पर राइट क्लिक करिए, क्लिक करिए और इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए। आपको यहाँ पे एक वर्डप्रेस का फोल्डर मिलेगा, उसके बाद जो है जैम को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन, यस करिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको चाहिए MySQL और PHP। PHP इसलिए क्योंकि जो वर्डप्रेस है उसकी कोडिंग जो है PHP भी इंक्लूड है उसमें, तो PHP कोड्स को रन करने के लिए आपको जो है PHP भी चाहिए होगा। ये हटा सकते हैं, टॉमकैट हटा लीजिए, ये हटा लीजिए, वेबलाइजर। तो आपको MySQL, PHP, PHP MyAdmin ये सिलेक्ट रखना है और अपाचे, ठीक है ना, वो तो मैंडेटरी। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, जहाँ वैसे डाउनलोड करना है आपको वो कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर आ रहा है ये। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। अब ये हमारा जैम सर्वर जो है इंस्टॉल हो जाएगा, जिसपे PHP कोड्स हम रन कर सकते हैं, यानी जो वर्डप्रेस का साइट है CMS जो है इसी पे रन करेगा। यहाँ पे जो है जैम सर्वर हमारा इंस्टॉल हो गया है, फिनिश करते हैं। जैम सर्वर को ओपन करके देखते हैं, ये इसका पैनल है। अपाचे को स्टार्ट कर लेते हैं, MySQL को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा सी ड्राइव में XAMPP इंस्टॉल हुआ था। यहाँ पे ST Docs फोल्डर चूज करिए, उसमें जाइए उसके अंदर, और जो वर्डप्रेस का जो आपने डाउनलोड किया था ये सिंपली इसको कॉपी करिए और ST Docs के अंदर इसको पेस्ट करिए। जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम हो वो सिंपली दे दीजिए। मान लीजिए वर्डप्रेस को मैं GSIT वर्ल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, GSIT वर्ल्ड। अभी हमें जो है इसको इंस्टॉल करने के लिए, यानी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप ब्राउजर ओपन करिए, लोकल होस्ट टाइप करिए /phpMyAdmin, ठीक है, ये आपका जो है। यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करिए और सिंपली जो है यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दीजिए, GSIT वर्ल्ड में नाम दे देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। बस उसके पास जो है ये पेज आप क्लोज कर दीजिए। अब हमें जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ब्राउजर ओपन करिए,
लोकल होस्ट, और जो भी आपने जो वर्डप्रेस के आपने जो फोल्डर उसमें कॉपी किया था, जो भी आपने नेम दिया है, मैंने जीएस आईटी वर्ल्ड नाम दिया था, उस प्रोजेक्ट का नाम लिखे और एंटर कर दिया। ठीक है, अभी हमारा जो है वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट है। इंग्लिश सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अभी यहाँ पे देखिए आप डेटाबेस नेम देना है, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, होस्ट, टेबल प्रीफिक्स। ठीक है, डेटाबेस हमने क्रिएट किया कर चुके हैं, लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। अब डेटाबेस नेम हमने क्या दिया था, जी एस आई टी वर्ल्ड, वो यहाँ पे दे दीजिए। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट माइस्पेल है, यूजर नेम रूट होगा, पासवर्ड आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है क्योंकि हम अपने सिस्टम पे ही चला रहे हैं। टेबल प्रीफिक्स में WP, जो भी टेबल क्रिएट करेगा वर्डप्रेस उसके जो है पहले जो है WP लगा होगा। ठीक है ना, ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं, रन इंस्टॉलेशन। अभी साइट टाइटल, साइट टाइटल में जो भी आपको देना है, जो भी आपका साइट का टाइटल डालना है वो डाल लीजिए। जीएस आईटी वर्ल्ड डाल दिया मैंने। यूजर नेम जो आपको क्रिएट करना है वो कर लीजिए आप, मैंने एडमिन सपोज दैट कर लिया। पासवर्ड, पासवर्ड बाद में चेंज कर लेंगे, अभी मैंने एडमिन डाल दिया। कंफर्म वीक पासवर्ड, उसके बाद जो है इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। यू मस्ट प्रोवाइड एन ईमेल, ईमेल डाल दीजिए एडमिन एट जो भी आपका ईमेल आईडी है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अभी देख रहे हैं कि ये हमारा, हमने यूजर नेम एडमिन दिया था और पासवर्ड भी एडमिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं कि हमारा जो है वर्डप्रेस का जो है होम पेज जो है इसका पैनल का जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम जो है पोस्ट है, पेज है, सारी जो अपनी जो ब्लॉग है हम यहीं से मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमने जो है अपने लोकल सिस्टम पे हमने जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अगर सिंपली आपको जो है आपको अपना ब्लॉग ओपन करना है तो लोकल होस्ट GSIT वर्ल्ड। ठीक है, ये आप जो है ब्लॉग देख सकते हैं। अगर आपको पैनल में जाना है तो उसके आगे जो है WP एडमिन लगाइए, यूजर नेम पासवर्ड दीजिए। यूजर नेम मैंने एडमिन दिया था, पासवर्ड एडमिन दिया था, वो यूजर नेम पासवर्ड डालिए, लॉग इन कर लीजिए, ये आपका पैनल हो गया। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम पे वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।